सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने वाले BMG ड्राइव, और हम रिकॉर्ड करना है इस गेम का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कुछ गाड़ियों की, हमने स्पीड टेस्टिंग की थी और क्रैश टेस्टिंग भी की थी। क्रैश टेस्टिंग इन द सेंस कि हमने पियानो को ठोका था, और उसमें देखा था हमने कि कितना बुरा हाल हो चुका था उन गाड़ियों का। एक मतलब उस गाड़ियों की स्पीड इतनी, सुपर क्लास इसलिए कहा जाता है, उनके स्पीड के लिए सुपर क्लास जानी जाती है। और आज हम देखेंगे उसी स्पीड का क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है। आज हमारे सामने कुछ गाड़ियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक रेंज रोवर है, यह हमारी फरारी रोमियो, BMW एंड अगेन लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। सो इन चारों गाड़ियों का आज हम स्पीड के साथ, स्पीड नहीं करेंगे एक्चुअली, आज क्रैश टेस्टिंग करेंगे। आज ये सारी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी के सामने हेड ऑन क्रैश करेगी जो इनसे बहुत गुना भारी और तगड़ी गाड़ी है, और ये हेड ऑन हेड क्रैश होगा। तो देखते हैं इस क्रैश के बाद, ये सब हाई स्पीड गाड़ीज है, तो अगर ये ठोकेगी उस गाड़ी को तो देखते हैं इन गाड़ियों का क्या अंजाम होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मतलब जिसमें, जिस एरिया में हम ये क्रैश टेस्ट करने वाले हैं वो एरिया दिखता कैसा है। तो ये है हमारा एरिया, ये हमारी चार गाड़ियाँ खड़ी है, और ये एक्चुअली हो रहा है एक रनवे, एक एयरपोर्ट का रनवे है ये। सो यहाँ से हमारी गाड़ी सीधी वहाँ से भागते हुए सामने की ओर जाएगी, और जाते जाते, अरे हाँ, यहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी भगी, और इसी एरिया में कहीं पे हमारा क्रैश होगा, जो अभी हम रिवील करने वाले हैं वो गाड़ी कौन सी है। तो चलिए देखते हैं वो गाड़ी कौन सी है। सो क्या आप रेडी है हमारी वो गाड़ी को देखने के लिए? तो ये गाड़ी हो रही है बहुत ही भारी भरकम, बहुत ही शानदार, और आपने शायद ये गाड़ी को किसी मूवी में भी देखा होगा। अगर आप ये गाड़ी को देखेंगे आपको शायद वो मूवी का नाम भी आ जाएगा। चलिए हम आपको रिवील करते हैं गाड़ी का नाम, ऑप्टिमस प्राइम। हालांकि गाड़ी तो ट्रक है, लेकिन उस मूवी में, ट्रांसफॉर्मर मूवी में, इस गाड़ी का यूज किया था ऑप्टिमस प्राइम ने। तो गाड़ी देख सकते हैं कितनी भारी भरकम है, और इस गाड़ी का जो स्किन है, जो ईगल बना हुआ है, वो गाड़ी उन हमारी जो मतलब ईगल नाम जाना जाता है कि शिकार करने के लिए, और ये आज शिकार करके हमारी उन सुपर कार्स का जो इनके हेड ऑन है, इस गाड़ी की हेड ऑन हेड आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या तबाही मचाती है। सो लेट्स बिगिन। हम लाइनअप वन में आ चुके हैं। जो पहला गाड़ी हमारे साथ जो हेड ऑन हेड क्रैश में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने वाली है वो है BMW। सो ये गाड़ी है इलेक्ट्रिक, या मुझे नहीं पता, लेकिन इस गाड़ी से साउंड नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, मुझे नहीं पता क्यों, ड्यू टू सम मॉड ग्लिच होगा इसमें शायद। तो चलिए देखते हैं कि हमारी उस गाड़ी के साथ हेड ऑन हेड क्रैश करने में, इस लाचार, लाचार नहीं, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन उस ईगल वाली गाड़ी के सामने कुछ नहीं टिकेगी। कितना डिस्ट्रक्शन होता है दोनों के बीच में, चलिए देखते हैं। और ये हमारा ऑप्टिमस प्राइम ईगल, मैंने इसका नाम ऑप्टिमस प्राइम ईगल रखा है क्योंकि ये ऑप्टिमस प्राइम की मूवी में यूज़ हुई थी ट्रांसफॉर्मर में, और इसका ये जो है ईगल का स्किन बहुत ही डोमिनेंट लग रहा है, जो हमारी उस गाड़ी को डोमिनेंट प्रोवाइड करेगी जो इसके सामने हेड ऑन हेड क्रैश करने के लिए आ रही है फिलहाल। सो चलिए इस गाड़ी का इंटीरियर से शायद, हाँ इंटीरियर से हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी की साउंड क्या है। गाड़ी की साउंड तो बढ़िया है भाई, और ये बहुत ही डोमिनेंस वाली साउंड है। तो चलिए देखते हैं हेड ऑन हैंड क्रैश करने की तैयारी शुरू होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे सामने गाड़ी आ चुकी है, लाइनअप में खड़ी हो चुकी है उस गाड़ी के साथ हेड ऑन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार सॉरी, यस, गाड़ी में पहले पावर नहीं आई थी, अभी आई है। तो ये हम जा रहे हैं हेड ऑन करने के लिए एंड फुल ऑन मोशन में, गाड़ी की स्पीड जा चुकी है 120, 130 प्लस, और हमारे सामने वो ट्रक दिख रहा है हमें।
और ये स्लो मोशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंजन जा चुका है गाड़ी का, दो टायर जा चुके हैं, ऊपर से जितने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये मतलब गाड़ी का बहुत बुरा हाल है और दोनों बहुत बुरी तरह हेड ऑन हो चुकी हैं। ट्रक पलट चुकी है, पायलट मतलब लिटरली ट्रक पलट चुकी है हमारी। अब इसको फुल स्पीड में देखते हैं, रियल स्पीड में। शेट भाई, गाड़ी ने लिटर हमारे ट्रक ने लिटरली उसे कुचल दिया है भाई साहब। बहुत ही कैड़ा एक्सीडेंट हुआ है हेड ऑन हैंड। और मुझे जहाँ तक लिखता है, एक मिनट में देखूँ। नहीं निकल जा भाई, मतलब इतनी बुरी तरह फंसी है गाड़ी उसके अंदर जाके कि निकल तक नहीं रही है। अरे निकल जा भाई, निकल निकल, नहीं निकल रही है भाई साहब। गाड़ी लिटरली उसके अंदर जा चुकी है, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ। और हमारे ट्रक का तो, अगर हमारे ट्रक में कोई ड्राइवर होता इस समय तो पूरी तरह सेफ होता, क्योंकि मतलब ट्रक के अंदर एक भी डैमेज या कोई इम्पैक्ट का मुझे कोई निशान नहीं दिखा। सिर्फ इस मतलब हमारे लेफ्ट साइड की ग्लास टूट चुकी है और हमारा जो BMW है भाई उसका तो खिचड़ी बन चुका है, खिचड़ी चीथड़े उड़ चुके हैं सामने के। और सामने का जो पूरा जो डैशबोर्ड होता है वो पूरा के लिटरली पीछे आ चुका है बैक साइड में। सो भाई बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट था बॉस। तो चलते हैं लाइनअप टू के पास, देखता उनका क्या हर्ष होता है और देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है अब रिवील में। सो गाइस, लाइनअप टू में आ चुकी है हमारी रेंज रोवर गाड़ी, जो उस ऑप्टिमस प्राइम ईगल के साथ पंगा लेने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हर्ष होता है। तो टेस्टिंग विल बिगिन इन 3, 2, 1, लेट्स गो। गाड़ी की क्या आवाज होता है, पिकअप है गाड़ी का, लिटरली कुछ ही सेकंड में इसने 100 क्रॉस कर लिया है। तो देखते हैं अब इसका क्या हर्ष होता है। गाड़ी फुल स्पीड में जाते हुए, सामने ट्रक दिख रहा है मेरे को भाई, बहुत धक धक होने लगा है भाई। इसने तो उस गाड़ी से भी, BMW के गाड़ी से बुरा हाल किया इसका। इसके दो टायर जा चुके हैं, मतलब पेट्रोल टैंक लीक हो चुका है, एक्सल जा चुका है भाई, बहुत ही बुरा। रेडिएटर फट चुका है, इंजन निकल चुका है भाई। वो क्या चीज है भाई, वो इंजन है क्या किसी चीज का? लेट मी सी भाई, ये क्या चीज है, दरवाजा खुल के गिर चुका है भाई साहब। गाड़ी रुकने को नाम नहीं ले रही है भाई, गाड़ी रुकने को नाम नहीं ले रही है, चक्के अभी भी घूम रहे हैं भाई। इस गाड़ी को पहले शांत कराओ भाई, इस गाड़ी को शांत करो भाई। इस गाड़ी का कचुम्बर बन चुका लिटरली हर जगह, कहीं से भी देखूँ तो मैं, लाइट जल चुकी इमरजेंसी लाइट, और अंदर जाके घुस के देखूँ तो भाई कुछ ना दिख रहा भाई। डेंजर सिचुएशन हो चुका है इस गाड़ी का तो। और अंदर से एज यूजुअल इस गाड़ी भाई ऑप्टिमस प्राइम ईगल है भाई, शिकार कर लिया इसने गाड़ी का। अंदर से कोई डैमेज नहीं, सिर्फ बोनट इसका उखड़ा हुआ है और इंजन भी, और गाड़ी तो इंटैक्ट चल रही है, एक्चुअली ऑन थी गाड़ी, मैंने खुद ऑफ किया इसे भाई। बहुत ही तबाही मची इस गाड़ी की। और इस गाड़ी का सिर्फ डैमेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका ये जो राइट साइड का टायर है ये डिफ्लेट हो चुका है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि डिफ्लेट हुआ हुआ है, क्योंकि गाड़ी इसके मतलब रेंज रोवर के अंदर घुस चुकी है भाई। तो चलिए अभी मिलते हैं लाइनअप थ्री गाड़ी। अब लाइनअप थ्री में कौन सी गाड़ी आती है देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और भाई इस गाड़ी इस सिचुएशन में भाई, इस गाड़ी में अगर कोई बैठा होता तो कते उसके चीथड़े उड़ जाते। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट लाइनअप ऑफ द कार, देखते हैं क्या आता है। सो गाइस, हमारा थर्ड लाइनअप ऑफ कार है फरारी, लैम्बोर्गिनी क्यों बोलता हूँ यार, मैं हमेशा गाड़ी का नाम भूल जाता हूँ। पहले वीडियो में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं गाड़ी को नाम उल्टा उल्टा बोल रहा था। तो चलिए, हमारे थर्ड लाइनअप पे है फरारी रोमियो कार, और ये गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है, और मुझे बिल्कुल नहीं मन कर रहा कि इस गाड़ी को मैं किसी एंगल से भी ठोकूं। इंटीरियर भी देखो कितना मस्त बढ़िया बना कर रखा है इन्होंने, रोमा सॉरी भाई,
गाड़ी का नाम ले फरारी रोमा है, सॉरी मैं रोमियो बोल रहा था। एनीवेज गाड़ी दिखने में बहुत ही स्वीट है, मतलब बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है। तो चलिए भाई, इस गाड़ी को हेड एंड क्रैश करने का टाइम आ चुका है। तो इन 3, 2, 1 लेट्स बिगिन। गाड़ी की साउंड कितनी प्यारी है गाइस। अरे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और गाड़ी ने 100 क्रॉस कर लिया है। इंपैक्ट पॉइंट नहीं पता क्या होगा, लेकिन ट्रक दिख रहा है। और ये शिट भाई साहब, ये गाड़ी उचक गई लिटरली। इतने स्पीड से उसका बम्प, मतलब हेड ऑन क्रैश हुआ कि गाड़ी उचक चुकी है पूरी। लिटरली गाड़ी का बहुत ही बड़ा डैमेज। वो गाड़ी तो भाई दिख भी नहीं रही है, हमारी रोमियो रोमा सॉरी रोमा भाई। और इस बार लगता है ट्रक को भी बहुत सारा डैमेज हुआ, क्योंकि इस बार जो हेड ऑन था वो बहुत ही हाई स्पीड में था भाई साहब। भाई आसपास जरा मैं देखता हूँ क्या है, क्या हालत हुई है इन गाड़ियों की। ओ भाई 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 भाई, भाई। इधर से यहाँ के दोनों कांच उखड़ चुके, लेकिन फिर भी अंदर तक कोई डैमेज मुझे लगता नहीं है पहुंचा है गाड़ी को। किसी भी एंगल से कहीं से भी डैमेज नहीं पहुंचा, सिर्फ कांच ट्रक के टूटे हुए हैं। और सामने का तो बम्पर भाई, चलो वो तो उड़ना ही था जितने वेलोसिटी और हाई स्पीड से इसकी इम्पैक्ट हुई है भाई साहब। और हमारी फरारी, फरारी तो फरारी हो गई भाई, फरार हो गई फरारी तो। कुछ नहीं बचा फरारी में भाई, इसमें क्या ही रिव्यू करूं भाई। सिर्फ पीछे के एक चक्का और दूसरा चक्का दिख रहा है भाई, सामने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई साहब। बहुत ही गजब का ये हेड ऑन क्रैश हुआ था। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट एंड लास्ट लाइनअप ऑफ द कार नंबर 4, चलिए देखते हैं वो कौन सी कार है और क्या इम्पैक्ट होता है। लेट्स गो। तो हमारे लास्ट नंबर ऑफ लाइनअप की कार हो रही है हमारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, सबसे चहेती कार है पूरे वर्ल्ड में। और दिखने में क्या गजब लग रही है भाई ये कार, लिटरली बहुत ही बढ़िया लग रही है। और चलिए देखते हैं इस गाड़ी को भाई, इस गाड़ी को मेरे को ठोकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मगर वीडियो के लिए, लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए हम पागल है और हम करेंगे। सो इन 3, 2, 1 लेट्स बिगिन। क्या क्रैश हुई है भाई, गाड़ी के पार्ट्स पार्ट जैसा फट चुके हैं। हमारी लैम्बोर्गिनी तो भाई पूरी तरह रोटी बन चुकी है भाई साहब। और ये ट्रक तो अभी भी जाते जा रहा है, इसको हाई स्पीड में देखते हैं, रियल स्पीड में। और गाड़ी का इंजन भी अभी भी चालू है, रेडिएटर घूम रहा है इसका भाई साहब। इसको ऑफ करता हूँ मैं। और हमारी फरारी भी जिंदा है कहीं ना कहीं से, तो पता नहीं कैसे जिंदा है, पर जिंदा है ये। इसका भी इंजन ऑन है, इसको भी ऑफ करते हैं भाई साहब। इस गाड़ी का तो कुछ ना बचा भाई, बहुत ही भयानक क्रैश था इसका तो। इसके तो चीथड़े उड़ चुके हैं भाई, ये देखो आसपास, यहाँ तक कि एक पार्ट तो यहाँ तक आके गिरा हुआ है। ये देखो गाइस, दरवाजा लैम्बोर्गिनी का यहाँ पे आके गिरा हुआ है। और क्रैश कितने मीटर दूर हुई है भाई, भाई बहुत ही भयानक क्रैश था ये। लिटरली गाड़ी फटी है यहाँ पे दोनों गाड़ी, पर ये गाड़ी का तो कुछ ज़्यादा डैमेज दिख नहीं रहा अंटिल बस इसका सामने का दो चक्के उड़ चुके हैं ट्रक के, दो नहीं एक ही उड़े हैं फिलहाल तो। और इस बार तो इसका कांच भी नहीं फूटा किसी तरह से भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ी, ऑप्टिमस प्राइम ईगल। तो इसी के लिए हम रोज ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे,
तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ आज के इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के बाद। मैं इंट्रो में बहुत थकता हूँ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो, वापस में बोलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें। और हम ऐसे बहुत सारे गेम प्लेस रिव्यूज़, रिव्यूज़ तो नहीं, गेम प्लेस के वीडियोज़ लाते रहेंगे, बहुत ही फनी हॉरर गेम्स खेलेंगे। और आपको अगर मेरे साथ खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करें, मेरे सोशल मीडियाज़ को फॉलो करें और रिक्वेस्ट भेजें, हम आपके साथ ज़रूर खेलेंगे और भाई खुशियाँ फैलाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे फॉक्सी, स्टे लव एंड अरियस्तो अमिगोस। बाय बाय माय गाइस, बाय।